हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों को सिखाऊंगा एचसीएफ निकालने की ट्रिक। जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया है, बिना पेन और पेपर के आप एचसीएफ निकाल सकते हो, ये संभव है। चलिए शुरुआत करते हैं। 8 और 16 का एचसीएफ निकालना है। कैसे निकालेंगे? 8 और ये 16। सबसे पहला स्टेप दोस्तों, आपने क्या करना है, इनका डिफरेंस लेना है। 8 और 16 का डिफरेंस कितना आ जाएगा? 8। अब देखना है क्या ये 8 इस 8 से डिवाइड होता है? होता है। 16 डिवाइड होता है 8 से? होता है। तो इसका मतलब आपका जो आंसर रहेगा, एचसीएफ रहेगा, वो देगा 8। है ना, बिल्कुल आसान, बिंदास होकर आपने एग्जाम में आंसर लगा देना है। 24 और 36 का एचसीएफ निकालेंगे तो सबसे पहला स्टेप मैंने क्या बताया है, डिफरेंस लेंगे। इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 12। अब आपने देखना है क्या 24 12 से डिवाइड होता है? जी बिल्कुल होता है, 12 दूनी 24। 36 डिवाइड होता है? जी हाँ बिल्कुल होता है, 12 तीन 36। तो HCF 12 हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। बिल्कुल आसान है। 6 8 और 12 का HCF निकालना है। 6 8 और 12। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना। 6 और 8 का डिफरेंस लिखना कितना आएगा? 2। 8 और 12 का डिफरेंस कितना आएगा? 4। 8 और 6 का डिफरेंस 2 है, 8 और 12 का डिफरेंस 4 है, तो सबसे कम डिफरेंस वाले को लेंगे। सबसे कम डिफरेंस कितना है? 2। क्या ये 6 2 से डिवाइड होता है? बिल्कुल होता है, 2 3 6। 8 भी डिवाइड होता है, 2 चौका 8, 2 छके 12, तो आंसर क्या आ जाएगा? 2। HCF हो जाएगा 2। अब इससे क्या होगा देखेंगे, 50 70 85। इन संख्याओं का एचसीएफ कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हम डिफरेंस चेक करते हैं कितना, 20, और इसका डिफरेंस देखेंगे तो कितना, 15। सबसे कम जिसका डिफरेंस होगा उसको लेंगे दोस्तों, और उससे डिवाइड करेंगे संख्या को डिवाइड करेंगे 15 से, तो क्या भाग होता है? नहीं होता है। 70 भी भाग नहीं होता है, 15 भी भाग नहीं होता है, 20 से करेंगे तो 20 भी नहीं, 20 से भी नहीं होगा। जब ऐसी सिचुएशन आ जाए तो क्या करेंगे, जो सबसे कम जो डिफरेंस आया था उसके क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे, 5 3 और 1। फैक्टर आपने किस कैसे करने हैं? डिसेंडिंग ऑर्डर में आपने फैक्टर करने हैं। पहले सबसे बड़ा, फिर उसके बाद छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। तब अब देखेंगे क्या 5 से डिवाइड होती है संख्याएं? बिल्कुल। 50 को अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो 10 आ जाएगा। 70 से डिवाइड करेंगे, 70 को 5 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 85 भी हो जाएगा। तो इसका मतलब आपका जो एचसीएफ होगा इन संख्याओं का 5 हो जाएगा, यह आंसर हो जाएगा। अब इनका देखते हैं, 19 23 29 31, इन संख्याओं का एचसीएफ। सबसे कम डिफरेंस किसका है? 29 और 31 का है, सबसे कम डिफरेंस 3। तो 3 से इनको डिवाइड करेंगे तो नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा डिवाइड। तो इस सिचुएशन में मैंने क्या बताया है, इसके फैक्टर करेंगे 3 मल्टीप्लाई 1। 3 से तो ये डिवाइड होता नहीं है, और जो किसी भी संख्या से कोई भी संख्या जब डिवाइड नहीं होती है तो उसको डिवाइड कौन करता है? 1। तो इसका मतलब इन संख्याओं का एचसीएफ क्या देगा? 1। तो ये थे आपके जितने भी टाइप बनते हैं एचसीएफ निकालने की ट्रिक के, सारे मैंने कंप्लीट करवा दिए हैं। वीडियो को सब्सक्राइब, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगली धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।